नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आप तक हम बात कर रहे थे सिर्फ वर्क स्टडी की बात करते हैं, वर्क स्टडी बोल रहे थे। वर्क स्टडी होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया वर्क स्टडी जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मेथड स्टडी और दूसरा है टाइम स्टडी। जैसे हमने पहले भी समझा था एग्जाम्पल से कि वर्क स्टडी क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं किसी प्रोसेस को आसान बना रहे हैं। अब किसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहली, वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरा, उसमें कितना टाइम लगता है। अगर हम प्रोसेस को इजी बना दें और टाइम को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही, तो अल्टीमेटली सारी चीजें एक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को इम्प्रूव करोगे और टाइम को रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पे जो मेथड स्टडी की बात होती है, दो टर्म आती है, एक क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाए, दो पार्ट है इसके वर्क स्टडी के। एक पहला पार्ट है मेथड स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, और दूसरा है हमारा वर्क मेजरमेंट, जहां पे हम किसमें फोकस करते हैं, यहाँ पे हम फोकस करते हैं टाइम पे, कितना टाइम लग रहा है, अनइफेक्टिव टाइम, जो वेस्ट हो जाता है टाइम, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस पे फोकस करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है और हम किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो पार्ट हैं किसके, वर्क स्टडी के, ठीक है। वर्क स्टडी के दो पार्ट है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। इतना क्लियर हुआ। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि क्या होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे जब हम मेथड स्टडी करते हैं तो मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, जो पहले से प्रोसेस बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ए रॉ मटेरियल है और बी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये ए हम इनपुट देते हैं और बी बन करके निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि वन प्रोसेस होती, टू प्रोसेस होती, थ्री प्रोसेस होती, फोर प्रोसेस होती, चार प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इन चार प्रोसेस में जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, हम इसको समझते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं सिस्टमेटिक, उसको रिकॉर्ड करते हैं कि रिकॉर्ड करेंगे, नंबर वन पहला रिकॉर्ड करेंगे आप, वन टू थ्री फोर, ये सारी प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद जो जिस तरह से काम किया जा रहा है उसको हम एग्जामिन करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब कि हम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी वे में लिखेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में लिखिए या आप फिजिकल वे में हार्ड कॉपी में लिखिए, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हर एक प्रोसेस को, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं एज अ मींस ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट। तो हम ये प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड किया कि क्या हो रही है, ए ए रॉ मटेरियल था जिससे बी फिनिश प्रोडक्ट बनकर के आ रहा है, लेकिन उसमें बीच में हो क्या रहा है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें हम किस तरह से उसको रीअरेंज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रीअरेंज कर देते वन टू सॉरी थ्री और टू और फोर, अगर हम रीअरेंज कर देते प्रोसेस को, थ्री को पहले कर देते टू को बाद में करते, तो हो सकता है इस प्रोसेस को रीअरेंज करने से आपका जो प्रोसेस है वो इजी हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने इसको एनालाइज रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको चेंज करने की कोशिश करिए, चेंज कर दिया। जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो गई और वो फिर आपको सीधा इफेक्ट करेगा किस पे, प्रॉफिट पे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है वर्क स्टडी मेथड स्टडी का, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकली हर एक पॉइंट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद वो अल्टीमेटली कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है ना, प्रॉफिट हम क्या समझते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को बनने में 100 रुपए लगता है, ठीक है, और हम उसको बेचते हैं, सेलिंग कॉस्ट 120 रुपए, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, 20 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम 80 रुपीज कर देते हैं तो ये 120 भी बिकेगा तो ये सेलिंग होगा, तो ये 40 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूसिंग दी कॉस्ट, ठीक है। वर मेथड स्टडी क्या करके क्या हम कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कैसे किया जा रहा है, वो प्रोसेस को आसान बना रहे हैं या प्रोसेस को ऐसा कर दे रहे हैं जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो अल्टीमेटली सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। पॉइंट नंबर टू, वर्क मेजरमेंट। तो वर्क जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो मेथड स्टडी में हम वर्क को समझते हैं, मेथड स्टडी में क्या करते हैं, हम वर्क को समझते हैं। अब उस वर्क को यहाँ क्या किया जा रहा है, मेजर करते हैं। मेजर करना यानी कि उसके टाइम को कैलकुलेट करना,
तो वर्क मेजरमेंट में हमें बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, टाइम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश टाइम फॉर क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक जॉब एट ए डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वर्कर की डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे उसकी टाइम कैलकुलेट करते हैं कि वो जो वर्कर है कितना समय लेता है किसी प्रोसेस को करने में। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ए ए ए ए ए रॉ मटेरियल है, बी फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें प्रोसेस हो रही 1, 2, 3, 4 प्रोसेस होती है। अब हो सकता है किसी प्रोसेस में 10 मिनट लगते हो, किसी प्रोसेस में 20 मिनट लगते हो, किसी प्रोसेस में 30 मिनट लगते हो, किसी प्रोसेस में 40 मिनट लगते हो। ये जो है यहाँ पे टाइम बता रहा है, मिनट्स में इतना टाइम लगता है। अगर हम इस टाइम को रिड्यूस कर दें किसी भी वे में, लेकिन हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर निकल रहा है या जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो कहीं से भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा आउटपुट, ये कहीं से भी उसकी क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ह्यूमन जो आपका वर्कर काम कर रहा है, जो ऑपरेटर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके ह्यूमन कंफर्ट में, एर्गोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम ये सारी चीजें कंसिडर करके ही हम वर्क मेजरमेंट करते हैं और हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इस टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो 10 है, 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, ये हर एक प्रोसेस में लग रहा है, 1, 2, 3, 4 प्रोसेस में लग रहा है। लेकिन इस टाइम को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, नोट करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसमें इस 10 मिनट में जो 10 मिनट का टाइम लग रहा है, ये 10 मिनट का टाइम है, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं कि किसी तरह का कोई टाइम वेस्ट होता है किसी फॉर्म में, तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटर किसी रॉ मटेरियल को उठाता है, जब ए रॉ मटेरियल, ए मटेरियल है, इसको हम मशीन में फिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टर्निंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टर्निंग प्रोसेस हो रही है। तो टर्निंग प्रोसेस में वो क्या करेगा, जॉब को क्या करेगा, लेथ मशीन में फिटअप करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको सेट करेगा, सेंटर करेगा, फिर उसके बाद उसको टर्निंग ऑपरेशन करेगा। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को आसान कर देते हैं, वहां पे अगर हम एक सीएनसी मशीन को फिट कर देते हैं, तो सीएनसी मशीन में क्या होता है, एक बार हम जॉब को फिट करते हैं और वो कंटिन्यूअसली बार बार ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को जनरेट करके देता जाता है। तो ये एक तरीका है कि आप इस 10 मिनट को रिड्यूस कर सकते हो, कितने मिनट में, 2 मिनट में। लेकिन डिपेंड करता है कि हाँ, वो जो मटेरियल हम बना करके निकाल रहे हैं, वो मटेरियल की उतनी कॉस्ट है क्या कि हम सीएनसी मशीन को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन ही अपने आप में बहुत कॉस्टली होती है। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट है बी, ये जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है बी, ये क्या उतना कॉस्टली बिकता है कि हम वहां पे सीएनसी मशीन को इंप्लीमेंट करें, या फिर आपका लेथ मशीन से काम चल रहा है, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम चल रहा है। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली आप इतना समझिए कि हम सिर्फ टाइम को रिड्यूस करते हैं, जो वेस्ट हो रहा है टाइम किसी भी वे में, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, इस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है और इस टाइम को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हर एक प्रोसेस से अगर आपने 10-10 मिनट भी कम कर दिए, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 100 मिनट्स लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, 100 मिनट्स लग रहे हैं पूरे प्रोडक्ट को बनने में, ठीक है। लेकिन अगर आप हर एक प्रोसेस में 2-2 मिनट कम कर दो, तो आपका जो आपका है कितना, ये 92 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो 100 मिनट्स लग रहे थे वो 92 मिनट्स में कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 8 मिनट जो है उस प्रोसेस में बच रहा है। तो यही क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देगा। तो अगर 100 मिनट लगता है किसी प्रोडक्ट को बनने में, तो हो सकता है वहां पे दिन भर में आपके 80 प्रोडक्ट्स ही बनते। लेकिन अगर हमने इसको टाइम को रिड्यूस कर दिया, 8 मिनट को कम कर दिया, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो 80 से 100 प्रोडक्ट्स पर डे जनरेट होना चालू हो जाए। तो यही है हमारा वर्क मेजरमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं टाइम पे, अनइफेक्टिव टाइम या अनयूटिलाइज्ड टाइम जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में। इसको कुछ डायग्रामेटिक वे में भी समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे वही फिगर बना हुआ है, उसमें हम मेथड स्टडी में बेसिकली करते क्या क्या है, यहाँ पे मैंने उसको अरेंज किया वन बाई वन। पहला हम क्या करते हैं, वर्क कंटेंट को रिड्यूस करते हैं। वर्क कंटेंट मतलब, फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है और सॉरी ए रॉ मटेरियल है और बी फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस होती है 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमको लगता है कोई एक प्रोसेस को हम रिड्यूस कर दें, वर्क कंटेंट को कम कर दें, अगर हमको लगता है कि हम प्रोसेस नंबर 3 को एलिमिनेट करके, हटा करके भी हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, उसके वर्क कंटेंट को कम कर दिया, उसकी उसके जो प्रोसेस हो रही थी उसमें से एक प्रोसेस को हटा दिए। लेकिन
प्रोडक्ट की क्वालिटी को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, बीज जो बन रहा था वो उसी क्वालिटी का बनेगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये क्या होगा, रिड्यूस इन द वर्क कंटेंट, वर्क कंटेंट जो काम हो रहा था उसको हमने कम कर दिया, ठीक है। प्रोसेस नंबर टू, रिड्यूसिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को आसान बना दिया, हम प्रोसेस को आसान बना देते हैं। प्रोसेस को आसान कैसे बनाते हैं, हमने ये क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लेथ मशीन से सीएनसी मशीन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे हमने प्रोसेस को आसान बना दिया। हम प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है, लेथ मशीन में मैनुअली ऑपरेटर क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है, फिर उसको टर्न करता है, फिर उसको निकालता है, बार बार उसको डायरेक्शन चेंज करता है, उसमें सेटिंग करता है कई तरह की, और उसको क्या करता है, फिनिश प्रोडक्ट बना करके देता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्रोसेस को आसान बना दिया। अगर हम चाहें तो प्रोसेस को भी ईजी बना सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे वर्क कंटेंट को कम कर दिया, रिड्यूस किया, और दूसरा सेकंड में प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया। पॉइंट नंबर थ्री, डेवलप न्यू इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्रोसेस। इकोनॉमिकल का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस बनाए जिससे कि हमारा जो प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस हो रही है, उन प्रोसेस को हम किस तरह से इकोनॉमिकल बना सके। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर टू में कुछ पैसा लगता हो या कुछ कॉस्ट कंज्यूम होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज लगता है, फॉर एग्जाम्पल इसको, इस प्रोसेस को करने में, तो हम ऐसी कोई नई न्यू प्रोसेस फाइंड आउट करें या न्यू प्रोसेस को एक्सप्लोर करें जहां पे इसमें जो 10 रुपए कॉस्ट लग रही है, इस 10 रुपए कॉस्ट को हम रिड्यूस करके 5 कर दें या 8 कर दें। इस तरह के कोई इकोनॉमिकल मेथड को फाइंड आउट करना या ढूंढना जिससे हम क्या कर सकें, कोई एक नया मेथड को डेवलप करें जिससे इकोनॉमिकली वो उसकी जो कॉस्ट है वो उस प्रोसेस को ऑपरेट करने की कम हो जाए, तो ये भी हमारा मेथड स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, क्या कह रहा है, इंस्टॉल मोर मॉडर्न और हाई कैपेसिटी प्लांट इक्विपमेंट्स। हम अगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेथ मशीन से हम सीएनसी मशीन पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मॉडर्न मशीन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेथ मशीन को आपने हटा करके वहां पे सीएनसी मशीन को इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे कि आजकल सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, रोबोटिक्स काम कर रहे हैं, रोबोट्स हर जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके रोबोट्स जो है वो ह्यूमन की जगह लेते जा रहे हैं, सारे जो मैनुअल काम होते थे अब जो है वो धीरे धीरे करके सीएनसी मशीन्स या रोबोट्स करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी को, एक ऑपरेटर किसी काम को करने में 10 घंटा लगाता है, तो वहां पे एक सीएनसी मशीन या जो लेबर या जो रोबोट है वो उसको 2 ही घंटे में कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको लगता है कि उतना कॉस्ट लगाना रोबोट पे या उतना कॉस्ट लगाना सीएनसी मशीन पे वर्थ है, तो आप वहां पे उसमें मॉडर्न मशीन्स या हाई कैपेसिटी प्लांट इक्विपमेंट्स आप इंस्टॉल कर सकते हो उस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे आप इसको समझिए कि जैसे टेस्ला कार है, ठीक है, जो टेस्ला कार जनरेट होती है, बनाई जाती है, कितनी ज्यादा कॉस्टली कार है, टेस्ला है या बीएमडब्ल्यू है या मर्सिडीज कार है, इस तरह की जो महंगी गाड़ियां होती है, इन कार्स पे कितनी ज्यादा कॉस्ट होती है उसकी, ठीक है, कई करोड़ में इनकी कॉस्ट होती है। तो जब इस तरह की गाड़ियों की कॉस्ट जो करोड़ में होती है या बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो आप उस प्लांट में सीएनसी मशीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कार जो है वो 2 लाख की है, 3 लाख की है, 4 लाख की है, तो वहां पे हर एक प्रोसेस पे सीएनसी मशीन लगाना, ये रोबोट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम इतनी महंगी मशीन लगाएंगे तो क्या हम उस कॉस्ट को निकाल पाएंगे उस प्रोडक्ट को बेच करके, सेल करके। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके आउट जो कॉस्ट होता है या जो सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं किसके अंदर आ जाते हैं, मेथड स्टडी के अंदर आ जाते हैं। ये अल्टीमेटली किस पे ले जाते हैं आपको, हायर प्रोडक्टिविटी के तरफ ले जाते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंप्रूव हो रही है सारी प्रोसेस करके। पॉइंट नंबर टू, वर्क मेजरमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्क मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, टाइम को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर पे आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, टू इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, जो प्रोसेस हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, या आप उसको रिकॉर्ड करोगे या लिखोगे या नोट करोगे, ठीक है। नंबर टू, लोकेटिंग द इनइफेक्टिव टाइम। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे इनइफेक्टिव जो टाइम वेस्ट हो रहा है या जो जिस टाइम में कोई काम नहीं हो रहा है, उस टाइम को लोकेट करना है, और उस टाइम को हमको क्या करना है, वहां से रिमूव करना है, ठीक है। लोकेट इन इफेक्टिव टाइम, और उसको क्या करना है, आपको खत्म करना है या रिड्यूस करना है या जीरो करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपका प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लगेगा। दूसरी चीज, एंड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। हम क्या करेंगे, ये करने के बाद स्टैंडर्ड बनाएंगे, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बनाएंगे कि किसी प्रोसेस को करने में इतना ही समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आप करोगे, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट करोगे, जितना भी प्लांट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके
फ्लोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, प्लांट के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेबर को कंट्रोल, लेबर को कंट्रोल करोगे, अगर हमको लगता है कि किसी एक काम में हम दो एम्प्लॉइज का यूज कर रहे हैं या चार एम्प्लॉइज का यूज करके उसको रिड्यूस करके अगर आप दो कर सकते हो या एक कर सकते हो तो वहां पे हम लेबर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। इंसेंटिव स्कीम्स का मतलब होता है किसी बार कई बार कोई स्कीम्स दी जाती है एम्प्लॉइज को कि आप अगर ओवर टाइम करते हो, कुछ अगर एक्स्ट्रा टाइम करते हो काम, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये भी है बेसिकली किसके अंदर आ जाता है, ये वर्क मेजरमेंट के अंदर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, ये आ जाता है। तो ये भी बेसिकली आपको जब आप देखिए ये सारे आप प्रोसेस करोगे, ये सारी स्टेप्स करोगे, ये सारे स्टेप्स क्या करेंगे आपको डील करेंगे, कहाँ ले जाएंगे आपको, हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे। जब आप हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव होने लगेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, आपने देखा कि हमने क्या किया, वर्क मेथड स्टडी करी और वर्क मेजरमेंट किया, और उन दोनों से हमने क्या किया, प्रॉफिट इंप्रूव कर दिया या प्लांट की एफिशिएंसी को आपने इंप्रूव कर दिया।